अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है आसिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए डॉट ट्रेवल। इस मरतबा होंडा ने ज़्यादा वेट नहीं करवाया और अगस्त के महीने में जश्न आज़ादी के मौके पर 2025 का मॉडल लॉन्च कर दिया। ये मॉडल लॉन्च हुआ है 7 अगस्त 2024 को, ये मॉडल रिसेंटली लॉन्च कर दिया है। होंडा ने नया मॉडल लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन देखना यह है कि क्या 2025 के मॉडल में हमें कोई नई चीज़ देखने को मिल रही है इस बाइक में, या कोई नया फीचर्स देखने को मिल रहा है, और सबसे अहम बात क्या इसकी प्राइस को बढ़ाया गया है। ये सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए 2023-24 के मॉडल जब लॉन्च हुआ था तो उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस नहीं की गई थी, सिर्फ ग्राफिक्स को चेंज किया गया था। तो आज हम इस वीडियो में और इस बाइक के अंदर देखेंगे कि 2025 के मॉडल में हमें क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और प्राइस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो लोग चैनल पर नए, पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राफिक्स की और कलर की। होंडा ने इस बाइक के अंदर 3 कलर लॉन्च किए हैं, रेड कलर, ब्लैक कलर और ब्लू कलर। अभी फ़िलहाल मार्केट में रेड कलर को लॉन्च किया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही ब्लैक कलर और ब्लू कलर लॉन्च होगा तो उसका भी मैं रिव्यू करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स आप चेक कर सकते हैं, इतनी ख़ास यहाँ पर मुझे नहीं लगी, नॉर्मल सी ग्राफिक्स यहाँ पर दी गई है। इसमें आपको ग्राफिक्स में ऑरेंज कलर, ब्लू कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पर अगर ग्राफिक्स की बात की जाए तो नॉर्मल से ग्राफिक्स है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मीटर की बात करें तो मीटर यहाँ वही 2023-24 वाला उठा के यहाँ लगा दिया है, किसी भी किस्म के चेंजेस नहीं मिलते, यहाँ तक कि ग्राफिक्स को भी चेंज नहीं किया मीटर की। राइट असम्बली पहले की तरह खाली मिलती है आपको, लेफ़्ट असेंबली में वही पुराने ऑप्शन, हेडलाइट, हाई लो, इंडिकेटर, हॉर्न का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट टायर आपको मिलता है 2.25x17 इंच के स्पोक्स रिम के साथ, आपको मिलती है ड्रम ब्रेक और पैंथर के टायर मिल जाते हैं 4 प्लाई के साथ। बैक टायर आपको मिलता है 2.5x17 इंच के स्पोक्स रिम के साथ, ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है, यहाँ पर भी 4 प्लाई के पैंथर के टायर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर इंजन की बात करते हैं, इंजन आपको मिलता है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। होंडा क्लेम करता है कि इस मरतबा हमने इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर किया है, इसके कार्बोरेटर को नए मॉडल का दिया गया है और इंजन में बेहतरी लाई गई है, टेक्निकली इंजन के अंदर बेहतरी की गई है। ये तो हमें जब ही पता चलेगा जब ये बाइक की राइड टेस्ट होगी और इसकी जो है परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि क्या बेहतरी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। पेट्रोल एवरेज की बात करें तो पेट्रोल एवरेज 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर देने की ये बिल्कुल सलाहियत रखता है। फ्रंट से इस बाइक को चेक करें तो यहाँ से हमें तमाम जो लुक देखने को मिलता है वो ओल्ड स्टाइल में देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर पुराने लगा दिए गए हैं, हेडलाइट भी ओल्ड स्टाइल में मिल जाती है, सिंपल बल्ब लगा दिया गया है। और इसके पार्ट्स की बात करें तो होंडा के पार्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, रिलायबल होते हैं, और यहाँ पर हम पार्ट्स की क्वालिटी को चेक करें तो काफ़ी अच्छे पार्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी इसके पार्ट्स वगैरह की देखने को मिल जाती है। इस बाइक की रीसेल की बात करें तो रीसेल इस बाइक की काफ़ी अच्छी है। होंडा एक नाम है, ब्रांड है, आप किसी भी मार्केट में लेकर जाएँ तो ये हाथों हाथ बाइक सेल हो जाती है, अच्छी कीमत में सेल हो जाती है। और इसके एक और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी इजीली होती है, आप हर जगह से इसके पार्ट्स लोकल मार्केट से ऑनलाइन भी इजीली परचेज कर सकते हैं और रीज़नेबल प्राइस में होंडा के जो पार्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। थर्ड नंबर पर इसके जो पेट्रोल का एवरेज है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। होंडा के तमाम मॉडल की अगर बात करें तो माइलेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इस बाइक की बात करें तो 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर देने की ये सलाहियत रखती है और 9 लीटर का फ्यूल टैंक हमें इस बाइक में देखने को मिल जाता है। सीट की क्वालिटी को चेक करें तो सीट काफ़ी अच्छी मिल जाती है, सॉफ्ट सीट मिल जाती है, वाइड सीट है, 2 से 3 बंदे आराम से इसके ऊपर बैठ सकते हैं। और इसके अलावा साइलेंसर को चेक करें तो वही ओल्ड मॉडल वाला हमें यहाँ पर एग्जॉस्ट मिल जाता है। कंप्लीट बाइक का रिव्यू करने के बाद हमें ये पता चला कि इस बाइक के अंदर किसी भी किस्म की चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलती, ग्राफिक्स को सिर्फ चेंज कर दिया गया है। तो इस मरतबा भी होंडा ने पाकिस्तानी आवाम को मामू बना दिया है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ ग्राफिक्स आपको चेंज मिल रही है, बाकी बाइक आपको सेम टू सेम यहाँ पर मिलने वाली है जो 2023-24 के अंदर आपको मिल रही थी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा जिसके पास 2023-24 का मॉडल है वो नया मॉडल ख़रीदने के लिए ना जाएं, क्योंकि सिर्फ ग्राफिक्स का फ़र्क है और सब कुछ आपको सेम टू सेम मिल रहा है। यहाँ तक कि मीटर को भी वही लगा दिया गया है और इसके अलावा इंजन में भी कोई ख़ास तब्दीली हमें नहीं मिलती है और फ्यूल टैंक, इंडिकेटर, हेडलाइट सब कुछ सेम टू सेम यहाँ पर मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पर प्राइस की, तो आप शुक्र करें कि इस मर्तबा होंडा ने प्राइस को नहीं बढ़ाया। नया मॉडल लॉन्च करने के बाद भी आपको मिलती है पुरानी प्राइस 1,57,900, इसकी लेटेस्ट प्राइस आपको मार्केट में मिलने वाली है। यहाँ पर मैं आपको टैग दिखा रहा हूँ, 1,57,900 रुपये इसकी पुरानी कीमत आपको मिलने वाली है। लेकिन इसकी प्राइस का कोई भी भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त प्राइस को बढ़ाया जा सकता है और चांस है कि 15 से 20 दिन के अंदर 4,000 से 5,000 रुपये का इजाफा देखने को मिल सकता है। ये प्राइस मैंने बताई है विदाउट पेपर, और अगर आप बाइक परचेस करना चाहते हैं तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ अकबर रोड बाइक मार्केट कराची में। यहाँ पर इस मार्केट में ये बाइक आ चुका है और छोटी मार्केट में अभी ये मॉडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2 से 3 दिन में ये जो मॉडल है आपको तमाम मार्केट्स में, छोटी बड़ी मार्केट्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा, 2025 का मॉडल, इसके ग्राफिक्स कैसे लगे, ये आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये व्लॉग आपको कैसा लगा, बाइक कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।